So here we have our today's topic, में 1990, और आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ देखेंगे कि अमृतसर में क्या था उसके कॉजेज और उसके इंपैक्ट्स क्या थे जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में रॉलर एक्ट को डिटेल के साथ डिस्कस किया था अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी सो प्लीज काइंडली वॉच दैट वीडियो ताकि आपको रॉलेट टाइप का जो है वो बैकग्राउंड उसके कॉजेज और इम्पैक्ट का आइडिया हो जाए बिकॉज इफ यू वुड नो अबाउट दैट इंसिडेंट क्लियरली तभी आपको अमृतसर में सैकर का जो बैकग्राउंड है वो अच्छे तरीके से समझ आएगा अब हम आज की जो स्टोरी है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट कॉन्टेंट से जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने लास्ट कॉन्टेंट यहीं पर एडअप्ट किया था कि गांधी की सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सत्याग्रह की कॉल पे यानी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी उस कॉल पे पंजाब के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था विद फुल बिकॉज मैं जब इन दो लोगों की बात कर रहा हूं तो प्रीडोमिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब कि पंजाब की सिचुएशन क्या थी उसी के बारे में मैंने लास्ट टाइम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और सत्यापाल जो थे देवर दन लीडिंग द सत्याग्रह यानी कि रॉलेट सत्याग्रह इन पंजाब वो लीड कर रहे थे पंजाब के अंदर और ब्रिटिश जो थे उनको ये चीज नजर आ रही थी कि ये जो एक किस्म का प्रोटेस्ट पंजाब के अंदर चल रहा है दिस माइट क्रिएट अ बिगर थ्रेड फॉर देम तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड दैट दे अरेस्टेड डॉक्टर सैफुद्दीन किचल्यू एंड डॉक्टर सत्यपाल इनके अरेस्ट के बाद द पीपल ऑफ अमृतसर राइट आफ्टर द अरेस्ट द पीपल ऑफ अमृतसर दे टुक द प्रोटेस्ट टू द स्ट्रीट्स यानी कि अमृतसर की स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया बाय द पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ द अरेस्ट ऑफ द टू पर्सनैलिटीज टू इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यापाल बिकॉज द डिटेंशन दैट ब्रिटिश दे क्रिएटेड वॉज अनलॉफुल उस पीसफुल प्रोटेस्ट के सामने द पुलिस फायर्ड उस पीसफुल प्रोटेस्ट में कई लोग जो थे वो मारे गए और इवेंचुअली इट वॉज ब्रिटिश हु प्रोवोक्ड द पीपल टू अटैक इन रिटर्न और जब अटैक्स इन रिटर्न किए गए तो वो अटैक्स किन किन जगहों पे हुए एक द रेलवे स्टेशन नंबर टू बैंक्स एंड नंबर थ्री द गवर्नमेंट ऑफिस इस रिटेलिएशन के अंदर एटलीस्ट फाइव यूरोपियंस जो थे दे वी कि अब सिचुएशन जो थी वो इवेंचुअली ब्रिटिश के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही थी और उस सिचुएशन को पंजाब के अंदर हैंडल करने के लिए स्टंप करने के लिए या पीस क्रिएट करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया लेट सी दैट अ पर्सन नेम्ड ब्रिगेडियर जनरल रेजिनेंट डायर वीन कॉल्ड टू क्रिएट पीस इन पंजाब उसको बुलाया गया इस रेवल्यूशन को क्रश करने के लिए अब उसने आतेसात कौन सी स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट की नंबर वन ही डिप्लॉयड एयरप्लेन्स to survey gatherings मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि इलेवेंथ अप्रैल को पंजाब के अंदर जनरल डायर के आने के बाद मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर दिया गया था उस मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग जो स्टेप्स लिए गए थे वो कुछ यू थे जितनी भी पब्लिक गैदरिंग्स थी उनको बैन कर दिया गया था किसी भी जगह पे फोर और मोर पीपल वर नॉट अलाउड टू गैदर चार या चार से ज्यादा लोगों की गैदरिंग की परमिशन नहीं थी और जो प्रीवियसली मैंने अभी बताया कि ही डिप्लॉयड एयरप्लेन्स तो वो इन सर्विस के लिए ही था कि कहीं पे कोई लोग जो है वो इकट्ठा ना हो रहे हो ताकि फर्दर किसी किस्म का कोई प्रोपिगेंडा गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिएट ना हो जनरल डायर ने फिर अपने स्टेप्स लिए और अपने तरीके से पंजाब के अंदर पीस क्रिएट करने की कोशिश की यहां से स्टार्ट होता है एक ऐसा ब्लड शेड विच एंटायरली चेंज द हिस्ट्री ऑफ पंजाब और जिसको हम नाम देते हैं अमृतसर Massacre. This is the place where the incident occurred, and the name was Jadayamala Park. 20,000 people were gathered in a public park for certain reasons. Number one, wahan pe logi was the because of the peaceful protest against the Rolotech. सेकेंड रीजन वॉज दैट द पीपल वर देयर टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल बेसाखी और जो तीसरी रीजन थी लोगों के यहां पे इकट्ठा होने की वो थी द डिमांड टू रिलीज डॉक्टर सैफुद्दीन एंड सत्यपाल ये वही दो नाम हैं जो भी हमने वीडियो में डिस्कस किए थे अब देखते हैं कि जड़िया वाला बाग का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो था वो क्या था अभी यहां पे आपको पिक्चर में थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा कि द पीपल आर गैदर्ड देयर इज अ वेल Over here, the people they are celebrating their festival as well. Now, this is the actual structure of the park. Now, if you see this, this is a place, a passage, which was entrance and it was the only entrance and exit. Means, the entrance or exit. same. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसकी ओवरऑल जितनी भी सराउंडिंग्स थी द वॉल वॉज एटलीस्ट टेन फीट सो पॉसिबल नहीं था किसी के लिए भी टू क्रॉस दैट वॉल सो दे वर सम हाउ बिंग इन साइड द बाघ एंड दे हैड नो प्लेस टू लीव यहां पे आप देखते हैं कि जो सोल्जर्स दे आर द वन हु पोजिश एट दिस प्लेस जहां पर उनको पोजिशन किया गया था बाय जनरल डायर टू फायर टुवर्ड्स द क्राउड जनरल डायर एंटर्ड इज फोर्सेज फ्रॉम दिस एंट्रेंस गेट पुजिश हिज सोल्जर्स एंड आस दैम टू फायर ऑन द पीसफुल क्राउड जिनके पास किसी किस्म का कोई भी वेपन नहीं था एज वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम द सि पॉयज आस्ट डायर टू गिव दॉर्निंग तो डायर का जवाब था दे ऑलरेडी हैड द वॉर्निंग सिक्सटीन फिफ्टी बुलेट्स विच चेंज द कोर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल सिक्सटीन फिफ्टी राउंड फायर किए गए ओपनड जिसकी वजह से फिफ्टीन हंड्रेड बाउंडेड एंड थाउजेंड ऑफ पीपल वो बींग किल्ड इसके बाद जनरल डायर को एक ट्रायल के तौर पे एक कमेटी के सामने पेश होना पड़ा जिसका नाम था हंटर कमेटी और अनफॉर्चुनेटली इस ट्रायल के अंदर जनरल डायर के लिए किसी भी किस्म की कोई पनिशमेंट Nahi the only thing that happened that he was removed from his post well viewers this is what our today's topic is all about ये था उसका बैकग्राउंड उसके इवेंट के वेल द इम्पैक्ट ऑफ इट अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है सो प्लीज काइंडली डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड कॉमेंट अपने व्यूज कमेंट्स में लाजमी दें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इनशाला विल बी अवेलेबल नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो एज पर द टाइम लाइन अंटिल देन watch our title video at the end take care for the office